हाँ दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल अकाउंट या फिर गूगल आईडी क्रिएट कैसे करेंगे, आप कैसे न्यू बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे आपको बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉयड मोबाइल में आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि सारे एंड्रॉयड मोबाइल में आपको जीमेल, आप जब नया फ़ोन लेंगे तो जीमेल रहेगा, तो यहाँ पर जीमेल एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आपके सामने यहाँ पर 3 लाइन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जीमेल का ये पेज ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जीमेल में ऐड अकाउंट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटअप ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप देखेंगे। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे जो ऊपर में गूगल लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे गूगल का जो आइकन दिख रहा होगा उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से कहेगा कि अपना पासवर्ड डालो। जो भी आपने पासवर्ड लगा कर रखा है आप डाल लीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, क्योंकि हमें नया अकाउंट बनाना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर माई सेल्फ या टू मैनेज माई बिजनेस, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट वाला फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि क्रिएट ए गूगल अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंटर योर नेम, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका क्या है। तो आप यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर कीजिए और जो आपका लास्ट नेम है वो डाल लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल लिया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला मंथ, आपका बर्थडे कब है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपना बर्थडे डालिए, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आपको मंथ, डे, कौन सा दिन आता है मंथ में, और वहाँ पे ईयर्स आपको डाल लेना है बर्थडे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा फिलअप कर दिया है। अब नीचे यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है, ये डॉट वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप फीमेल है मेल है, दो ऑप्शन आपके सामने शो करेगा। तो आप जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सेकेंड वाला सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि ये सब आपको दोनों इन्फॉर्मेशन भर देंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे जीमेल आईडी बनाया भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास बना हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने नाम से बना लेना है कैपिटल और नंबर डालकर। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका नहीं बन रहा है तो फिर से आप अच्छे से डाल लीजिएगा, कुछ गलत हो गया होगा। यहाँ पे आएगा क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद अपने नाम के साथ यहाँ पे कैपिटल स्मॉल डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा ऐड फ़ोन नंबर, अगर आप फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आई यस इन पे क्लिक कर देना होगा। और ये देखिए आपका ये रिव्यू में अकाउंट चले चुका है, और आपका इस तरीके से आपने गूगल अकाउंट अब क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे यहाँ पे टर्म एंड प्रेस आई एग्री पे क्लिक करेंगे नीचे आने के बाद, और यहाँ पे आई एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, ये देखिए, और यहाँ पर गूगल लिखा हुआ सर्विस आ जाएगा, और आपकी ईमेल आईडी बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ईमेल आईडी बनकर क्रिएट हो चुका है और आप बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।